आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को एडिटिंग सिखाने वाले हैं, क्योंकि गाइज ये जो एडिटिंग किए हैं वो अलाइट मोशन से किए हैं, और जिस बंदे को अलाइट मोशन चलाना नहीं आता ना गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही उसको आसानी लगने वाली है अलाइट मोशन को चलाने के लिए। तो गाइज वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना, और गाइज जो भी चीजें इसमें मैंने यूज किया है वो चीज सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप लोग वीडियो में बने रहोगे तो आप लोगों को यहाँ पर गाइज मैं बताऊं कि बहुत ही आसान तरीके से सिखाए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अलाइट मोशन अपने पास खोल लेना है, आप लोगों के पास जो भी अलाइट मोशन एप्लीकेशन होगा, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत पुराना अपलोड करके रखा हो। प्लस आइकन पर क्लिक करना और ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर 9:60 करना है, ध्यान से 9:60 एंड 1080 पिक्सल करके 60 fps करके, और यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना। देन इस तरीके से आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस आइकन पर क्लिक करना, देन प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना, देन यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक मटेरियल दिया होगा जो कि डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड करोगे, उस मटेरियल को यहाँ पर ऐड कर लेना जो कि रेड कलर का होगा, ये वाला। अब गाइज मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो यहाँ पर ये वीडियो कम से कम आधे या 30 सेकंड की थी, 30 मिनट की गाइज थी, एंड इसको मैंने 15 सेकंड की बनाई है, क्योंकि इसमें मैं जो भी मटेरियल आप लोगों को बनाना सिखाया था ना उसका पार्ट मैंने हटा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, और मैंने सोचा कि चलो नहीं आप लोगों को सिखाता क्यों, क्योंकि मैं बना के ही आप लोगों को दे देता हूँ कि सबके सब यूज कर लो एक ही बार में, बनाने की झंझट ही खत्म करो। इसीलिए सीधे मैंने डायरेक्ट अलाइट मोशन से आ गए, पिक्सल एप्लीकेशन से भी बनाने जा रहे थे, पिक्सल लैब से, बट वो चीज़ का पार्ट मैंने आप लोगों को क्या है कि बना के ही दे दिया, जो कि आप लोगों को आगे बता देते हैं। तो प्लस आइकन पर क्लिक करना शुरुआत में आके, और मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप लोगों को ये देखो यहाँ पर एक दिया वाला मिल जाएगा, इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है। दिए वाले पर ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है, देन इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ध्यान से देखो दिखा देते हैं आप लोगों को, दिया पर क्लिक करना है। अब दिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि देखो गाइज आप लोगों को जो भी करना है ना एकदम ध्यान देना है इसमें, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को सही से समझा देता हूँ, 2-3 बार क्लिक करके दिया पर क्लिक कर दिया, अब मूव पर क्लिक करूँगा, मूव पर क्लिक कर मैं तीसरे नंबर ऑप्शन पर जाऊँगा इस पर, और इसको माइनस में ले जाऊँगा, मतलब कम करूँगा कि इसकी जो जूमनेस होगी ना वो कम हो जाएगी, तो इस तरीके से माइनस में ले जाएंगे जो कि जूम कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतना मैं कर लूँगा, फिर से ऊपर साइड जाके इसको मूव कर लूँगा थोड़ा लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना, और गाइस कुछ बंदों को समझ भी नहीं आता तो आप लोगों को कहूँ कि देखो गाइस सबसे पहले आप लोगों को दिया पर क्लिक करना हो, दिया पर क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है, ये देखो इस वाले ऑप्शन पर, और ब्लेंडिंग में जाके यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। नॉर्मल वाला जो 100 होगा ना उसको आप लोगों को 20 करना है। देखो यहाँ पर मैंने 35 किया था या 30 किया था, तो उसको मैं बाद में कम कर लेता हूँ, बट आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर इसको 20 रखना, ठीक है। ध्यान से आप लोग इसको 20 कर लेना, और देखो गाइस बहुत सारे बंदों को समझ नहीं आता तो क्या करना कि आप लोग 2 मिनट मेरी वीडियो को देखो, और फिर से 2 मिनट अपने एडिटिंग में काम करो, फिर से 2 मिनट वीडियो में देखो, फिर से 2 मिनट एडिटिंग में काम करो, इस तरीके से करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करो, और ये वाला जो है ना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला मैंने खुद क्रिएट किया था और आप लोगों को भी सिखाया था, बट वो पार्ट मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि गाइज बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप लोग बड़ी बड़ी वीडियो देखो, ठीक है। शॉर्टकट में जितना मैं आप लोगों को सिखा सकूँ और मैं आप लोगों को खुद करके दे सकूँ उतना ही मैं चाहता हूँ। तो आप लोगों को ये जो आप लोगों को इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि मेरी इंस्टा आईडी लिखी होगी, बट मैं जो आप लोगों को बना कर दूंगा उसमें इंस्टा आईडी नहीं लिखी होगी। तो गाइज आप लोगों को पूरा लेंथ तक कर लेना, आप जो भी इफेक्ट लगाने हमें इसी वाले लगाने, कमिंग सोलह जो इफेक्ट ऐड किया उस पर आप लोगों को क्लिक करना, सारे इफेक्ट उसी में लगाने, तो इफेक्ट में ऐड करो, ऐड इफेक्ट में क्लिक करना। अब यहाँ पर सर्च में जाओ और यहाँ पर आप लोगों को वेब वेब सर्च करना है, स्क्रीनशॉट मारते जाना, ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट मारो, वेब वेब, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो गाइस इसका, क्योंकि यही सर्च आप लोगों को करना है, वेब वेब सर्च करो और स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करो। अब यहाँ पर ध्यान देखना जो भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर फेस मिल जाएगा पहले नंबर पर आप लोगों को, फेब, ठीक है। उस पर आप लोगों को क्या करना है कि कुछ भी आप लोग देख सकते हो, इस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। देन आप लोगों को करने के बाद आप लोगों को देखो करना क्या है, फेस वाला मिलेगा। अब यहाँ पर 0000 लिखा हुआ ना उस पर टच करना, एक बार टच करना, और टच करने के बाद लिखने के लिए आ जाएगा, तो 90.0 कर देना, 90.0 करने के बाद यस कर देना। ध्यान से ये देखो मेरा 90.00 हो गया। अब यहाँ पर एंगल को आप लोगों को देख सकते हो, एंगल होगा, एंगल को छूना नहीं है, स्पेसिंग स्पेलिंग को यहाँ पर देखो, इस पर क्लिक करना है, इस वाले पर, ठीक है ना, SPACING, ठीक है, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर 20.0 होगा, ठीक है। अब 20.0 जो होगा ना उस पर आप लोगों को ध्यान से देना है, तो देखो 20.0 को क्लिक करना और यहाँ पर लिख देना है 40.0, ठीक है। एंड 40.0 लिखने के बाद यस कर देना, देन इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, शुरुआत में चले आना है, शुरुआत में लेयर के शुरुआत में चले आना है यहाँ पर,
और एक की फ्रेम लगा दे रहा है ये वाला माउस के। देखो की फ्रेम लग गया, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, की फ्रेम लग गया। अब की फ्रेम लगाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाना है, कम से कम 4 से 5 सेकंड, ठीक है, तो 5 सेकंड चले जाना आगे। अब 5 सेकंड जाने के बाद आप लोग जो 40 किए थे ना उसको 0 0 0 कर देना, यार ध्यान से 0 0 0 कर देना, स्पेलिंग ही मेरा ना स्पेसिंग में रखे 0 0 कर देना। अब नीचे साइड स्क्रॉल करना और इस वाले पे चल जाना एम वाले पर, ठीक है, एम वाले पर जाने के बाद 0.4.00 लिखा होगा तो उसको आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर कुछ लमसम 3.00 कर लेना, ठीक है, 3.00, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है, एंड यहाँ पर 3.0 कर दिए, ठीक है। अब आप लोगों को शुरुआत में चले आना, शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में आने के बाद एक की देखो थोड़ा सा आप की फ्रेम लगा लेना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि एक की फ्रेम लगा लो, ठीक है। शुरुआत में आने के बाद की फ्रेम लगाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे चले जाना, जो आप लोगों ने की फ्रेम लगाया ना बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले जो लगाया था उसके थोड़ा सा पहले रहना है, ठीक है, थोड़ा सा पहले रहना है, देख सकते हो। और 3.00 किए थे ना उसको आप लोगों को 0.00 कर देना, देख सकते हो 0.00 ऐसे कर दोगे ऑटोमेटिक की फ्रेम भी लग जाएगा और यहाँ 0.00 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब यहाँ पर नीचे वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा वैप करके, ठीक है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर 90 डिग्री होगा, देख सकते हो 90 डिग्री है, ध्यान से देखो, इसको आप लोगों को माइनस में ले जाना है, यहाँ पर देख सकते हो, तो माइनस में नहीं ले जाना, 0.00 करना है, ठीक है, 0.00 माइनस में नहीं ले जाना है, बस 0.00 करना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करने पर एक आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ पर मिल जाएगा DAM, ठीक है, PENG, डिपेम्पिंग, यहाँ पर जो मिल जाएगा ना, तो इसमें भी 3 ऑप्शन होंगे। अब तीनों ऑप्शन में इसमें काम करना है आप लोगों को, तो देखो 3 1 4 ऑप्शन, तो यहाँ से देखो 3 ऑप्शन में क्लिक करना है, तो ये आर्चोन में मिल जाएगा, तो ये देखो ये 0.50 होगा, तो आप लोगों को 0.00 कर देना, ध्यान से देखो 0.00, ठीक है। अभी स्पेसिंग में मिलेगा आप लोगों को, तो स्पेसिंग में आप लोगों को 0% होगा ना जो, तो आप लोगों को पहले रहो स्पेसिंग में क्लिक करना है, देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को स्लाइड करना है, ध्यान से आप लोग क्लिक भी कर सकते हो, और यहाँ पर 42.0 कर सकते हो, ठीक है, एंड ऊपर वाले में 100 कर देना, जस्ट इसके जस्ट ऊपर है 100, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से ये कर देना, ठीक है, इस वाले DAMPing वाले में, तो इसके नीचे वाले में तीनों वाले में आप लोगों ने करना है क्या है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी मेन मुद्दे का मार सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लोगे बहुत आसानी होगी, नहीं तो 2-2 मिनट वीडियो देखो, 2 सेकंड अपना अप्लाई करो। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इफेक्ट में क्लिक करना है, देन इफेक्ट में एड इफेक्ट में करना है, और जो इससे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सारा इफेक्ट आप लोगों को कमिंग सून जो टेम्पलेट ऐड किया ना उसी में करना है, ठीक है, तो उस पर क्लिक करके ही सारा इफेक्ट लगाना। अब यहाँ पर वेब यहाँ पर फेड इन आउट सेलेक्ट करके और फेड इन आउट पर क्लिक करना और 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, इन और आउट, ठीक है, तो उस वाले को आप लोगों को पहले वाला जो ऑप्शन है ना इन करके 0. यहाँ पर 50 होगा ना, तो उसको आप लोगों को 0. यहाँ पर लमसम कर देना, आप लोगों को देख सकते हो लमसम 20, ठीक है, एंड 20 करने के बाद आउट में जाना, आउट में जाने के बाद 0.10 सेकंड कर देना, ठीक है, तो ऊपर वाले को 20 और नीचे वाले को 10 सेकंड। अब इतना करने के बाद हो गया, ठीक है, अब होने के बाद फिर से आप लोगों को उसी पर क्लिक करना टेम्पलेट वाले पर, देखो ऊपर सबसे ऊपर, अब इफेक्ट पर क्लिक करना, एड इफेक्ट में जाना और यहाँ पर एक और इफेक्ट लगाना है, स्क्रीनशॉट मार लो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है वेब WIPE, ठीक है ना, वेब देख सकते हो, सिर्फ ओनली WIPE लिखना, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना, और स्टैंडर्ड सेटिंग में जाने के बाद फिर से यहाँ पर आप लोगों को ऐड हो जाएगा, तो ये देखो वेब पर क्लिक करना और स्टार को मत छूना, स्टार्ट को मत छूना, इंड वाले पर क्लिक करना, स्टार मतलब स्टार्ट को नहीं छूना, इंड वाले पर आना है, इंड वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर 100 होगा, 100 को आप लोगों को माइनस मतलब पीछे ले जाना है, पीछे ले जाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर हम कितना ले जाएंगे आप लोग ध्यान से देखो, एंड 0 ले पर जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को और भी माइनस करना है, एंड नहीं तो आप लोग वहाँ टैप करके भी लिख सकते हो गाइज, नहीं तो आप लोग इस तरीके से जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना आप लोगों को 0.00% कर देना है, नहीं तो आप लोग वहाँ पर लिख भी सकते हो 0.0%, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को शुरुआत में चले जाना, एक की फ्रेम लगाना है, ध्यान से देखो की फ्रेम लगाने के बाद आगे जब ले जाओगे ना गाइज, तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर 2 की फ्रेम लगे होंगे, बट देखो गाइज आप लोगों उन दोनों की फ्रेम के पहले आना है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि देख सकते हो यहाँ पर की फ्रेम में आप लोगों को अब यहाँ पर 100 कर देना है, तो ध्यान से देखो आप लोगों को यहाँ पर 100 लिख भी सकते हो, यहाँ पर आने के बाद देखो आप लोगों को इस तरीके से कर देना है, ठीक है, इस तरीके से करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर 100 कर दिया मैं, और आप लोग बगल में देख सकते हो किस तरीके से हमारा होके आया हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 100 कर देना, 100%, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक मिलेगा फेदर, ठीक है, ऊपर वाले को एंग्री को मत छूना और फेदर को छूना, और फेदर में क्लिक करके 3. 31.0 कर देना, ठीक है, 31.0
ये 31.1 से कर देना है, ठीक है। इतना कर सकते हो। करने के बाद आप लोगों को एक बार आप लोग इसको फिर से क्या करना कि उसी पर क्लिक करना, ठीक है ना, ये इसी पर, ठीक है, लेयर पर क्लिक करना ऊपर वाले, फिर से इफेक्ट में जाना और ऐड इफेक्ट में जाना। देन ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है गेसियन GU, ठीक है ना, यहाँ पर GASSIN और ब्लर, ठीक है, गेसियन ब्लर। तो यहाँ पर देख सकते हो गेसियन ब्लर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को स्टैंडर्ड पर क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड में जाना, मतलब उसी पर क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि देखो शुरुआत में चले आना और आप लोगों को एक की फ्रेम लगाना है, ठीक है। शुरुआत में आप लोगों को एक की फ्रेम लगाना है और कुछ एक से दो सेकेंड बाद चले जाना है, मतलब एक दो सेकेंड आगे जाके यहाँ पर इसको 0-0 कर देना, ठीक है। इतना कर लो, आप लोगों को ध्यान देना है, इतना आप लोगों को कर लेना है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर हमारा इतना लग गया। फिर से दोबारा से उसी लेयर पर क्लिक करना, इफेक्ट में जाना और इफेक्ट में जाने के बाद आप लोगों को ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर एक और आप लोगों को इफेक्ट सर्च करना है। देन यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है एंड यहाँ पर क्लिक कर दो और यहाँ पर एक्सपोजर गामा सर्च करना। ध्यान से आप लोग स्क्रीनशॉट मारोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को एक्सपोजर गामा करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है एंड फिर से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना और एक्सपोजर में आप लोगों को ध्यान देना। तो देखो गाइज, आप लोगों को यहाँ पर पहले तो ध्यान देना कि कुछ लमसम 2-3 सेकंड चले जाओ, ठीक है, 2-3 सेकंड चले जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्लैश लगाने वाले हैं लाइट वाला। तो देखो हम लोग 1 सेकंड पर चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि एक की लगाना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, एक की लगाना और आप लोगों को फिर से थोड़ा सा आगे जाना है और ये 0000 आप लोगों को लगाना है, उसको आप लोगों को कुछ 2 सेकंड कर देना है, मतलब 2.00, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को आगे आना, जरा सा पॉइंट आगे आना और फिर से आप लोगों को 1000 कर देना, ठीक है। आप लोगों को देख सकते हो इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप लोगों को 3 कर देना, मतलब एक की फ्रेम लगाना है, फिर से 2 सेकंड पर ले जाना है, फिर से उसको माइनस में 0-0 कर देना है, फिर से आप 3 सेकंड आगे चले जाओ। 3 सेकंड आगे जाने के बाद एक की फ्रेम लगाओ, फिर से थोड़ा सा आगे जाओ और फिर से यहाँ पर 2 सेकंड कर दो, 2 सेकंड मतलब सॉरी गाइस 2 करने के बाद थोड़ा सा और आगे आओ और फिर से 0 कर दो। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आप फिर से 3 सेकंड आगे चले जाओ, आप लोगों को बता दूं 3 सेकंड आगे चले जाना और फिर से एक की फ्रेम लगाना और की फ्रेम लगाने के बाद थोड़ा सा फिर से आगे जाना और 1-2 सेकंड करना और फिर से उसके बाद से थोड़ा सा आगे जाना और 0-0-0 कर देना। तो एक की फ्रेम आप लोगों को लगाना ही लगाना है, उसके बाद से आप लोगों को इसमें ये स्लाइड करना है तो ऑटोमेटिक लगेगा, उसके बाद से आप लोगों को थोड़ा सा आगे आना और माइनस में, मतलब माइनस में नहीं, 0-0-0 कर देना है। तो देखो गाइस इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर मेरा ये हो चुका, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट एडिटिंग। एंड गाइस आप लोगों को समझना है तो दोबारा से आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सॉन्ग, मतलब ऐड करने वाले हैं सॉन्ग। तो ध्यान से आप लोग सॉन्ग भी देख लो कैसे ऐड किया जाता है। तो जो सॉन्ग होगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, म्यूजिक में जाना है और यहाँ पर व्यू ऑल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना। अब व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद एल्बम में चले जाना। एल्बम में जाओगे तो आप लोगों को डाउनलोड वाले सेक्शन में ही सारा सॉन्ग वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी मैं सॉन्ग आप लोगों को दिया होगा, ठीक है। आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर मतलब ऑन करके एक एक प्ले करके देख लेना कि कौन सा सॉन्ग आप लोगों ने शुरुआत में मेरे वीडियो में सुना था, ठीक है, उस सॉन्ग को आप लोगों को सिंपल सा ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद आप लोगों को एडजस्ट कर लेना अपने सॉन्ग वगैरह को, मतलब कितना सॉन्ग रखना है उस हिसाब से। गाइज आप लोगों को ये एडिटिंग कैसी लगी है लाइट मोशन की, क्योंकि ये मेरी शायद यूट्यूब चैनल पर दूसरा या तीसरा लाइट मोशन की एडिटिंग है। और गाइज मैं आप लोगों को लाइट मोशन से अच्छे से समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता हूँ, वो भी आप लोग कमेंट्स करना कि आगे फ्यूचर में मैं लाइट मोशन से बनाऊँ या ना बनाऊँ। और गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और गाइज आप लोगों को HTML फाइल चाहिए तो उसके लिए सॉरी, मैंने बहुत प्रयास किया कि HTML फाइल दे सकूं, बट वो HTML फाइल मेरे से मतलब इसमें बन नहीं पा रहा था और मेरी लॉगिन भी नहीं हो पा रही थी, मतलब यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। एंड आप लोग एडिटिंग सीख सकते हो क्योंकि एडिटिंग ही आप लोगों को आने वाले फ्यूचर में कुछ सिखाएगा, बट आप लोगों का HTML फाइल कभी कुछ नहीं सिखाएगा। तो गाइज आप लोग एडिटिंग सीखिए एंड गाइज थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करते हो एंड आप लोग ये वीडियो को वॉच किए हो तो। और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आने वाले फ्यूचर में मैं लाइट मोशन से सिखाऊँ या ना सिखाऊँ।